कश्मीर में जहां एक ओर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी राजनीतिक पार्टियां चुनावों का बहिष्कार करने की आड़ में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रही है, वहीं इसके बिल्कुल विपरीत कश्मीर में कुछ ऐसे युवा नेता भी मौजूद हैं जो आज भी प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है श्रीनगर के आज़ाद उम्मीदवार जुनैद आजम मटू, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में थे, लेकिन पार्टी द्वारा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आइए जानते हैं कि कश्मीर में चुनावों के बहिष्कार पर इनका क्या कहना है। ये तो ऑब्वियसली बात है, फिर मैं रिजाइन करके इलेक्शन क्यों लड़ता अगर मैं सहमत होता उस डिसीजन से। उनने बॉयकॉट क्यों किया, उनका लाए अमल क्या है, वो तो वो ही बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है बॉयकॉट करने से रियासत को हमेशा नुकसान पहुंचा है, जब जब बॉयकॉट हुआ है।